जहाँ पर गाना इंडियन फिल्मों का जान होता है। और देखा जाए तो कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाते हैं पर गाना हो जाते हैं ब्लॉकबस्टर। और ऐसे कैसर एक्सपेंसिव सॉन्ग है जिसका बजट को देकर आसानी से एक दो छोटा फिल्में बन जाते हैं। दोस्तों क्या है वो सारे हाई बजट वाला गाना, जानने के लिए शुरू से तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। 15 डोला रे डोला फ्रॉम देवदास, जहां पर डायरेक्टर संजय लीला का फिल्म देवदास का सॉन्ग पर माधुरी दीक्षित और आयशीरा की कोलैबोरेशन नजर आया था और जो रहा बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गाना और जिसका टोटल कॉस्ट रहा 2 करोड़ 50 लाख। नंबर 14 आजिम ओ शान शहनशाह फ्रॉम जोधा अकबर, और जहाँ पर इसी गाना का विजुअल ट्रीट रहा काफी इंटरटेनिंग और जिसमें 400 बैकग्राउंड डांसर के साथ 2000 साइड आर्टिस्ट था और शायद इसी वजह से इसे गाना का खर्च ज्यादा हुआ है। और बता दोस्तों बॉलीवुड का हैंडसम हंक ऋतिक का इसी गाना पर खर्च हुआ है टोटल 2 करोड़ 50 लाख। नंबर 13 नागादा संग ढोल बाजे फ्रॉम रामलीला, दीपिका रणबीर का इसी गाना सारे ऑडियंस को किया है काफी इम्प्रेस और जहाँ पर एक ग्रैंड सेट के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन लाइटनिंग सभी चीज मिलाकर इसे गाना का शूटिंग लगभग 10 डेज तक चला था। और बता दोस्तों इसे गाना का टोटल खर्च हुआ है 2 करोड़ 80 लाख। नंबर 12 कमबख्त इश्क फ्रॉम फिल्म कमबख्त इश्क, और जहाँ पर इसी गाना को करीना कपूर और खिलाड़ी आक्की का मोस्ट फेमस गाना माना जाता है और इस गाना पे बेबो की जो लेदर ड्रेस है उसी पर खर्च हुआ है लगभग 80 लाख। ऐसे करके पूरे गाना कमबख्त इश्क का टोटल कॉस्ट रहा 3 करोड़। नंबर 11 सैटरडे सैटरडे फ्रॉम हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, जहाँ पर आलिया और वरुण का ये गाना रहा उस वक्त टॉप चार्ट पर और फिल्म के साथ ही साथ इसी मैसिव हिट गाना सारी यंग जनरेशन को काफी पसंद आया था। और बता दोस्तों इसी गाना के लिए टोटल खर्च हुआ है 3 करोड़। नंबर 10 चमक चलो फ्रॉम रावण, बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख का रावण फिल्म से ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ है चमक चलो गाना, स्पेशली गाना का डांस स्टेप। और बता दोस्तों इसका सिंगर रहा अमेरिकन सिंगर आखुनेब और जिन्होंने चार्ज किया था 2 करोड़। टोटल चमक चलो का कॉस्ट रहा 3 करोड़। नंबर 9 था करके फ्रॉम गोलमाल रिटर्न्स, सुपरस्टार अजय देवगन और करीना की था करके बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली गाना है, जहाँ पर इसी गाना पे बैकग्राउंड डांसर था 1000 और स्टंटमैन था 180। ऐसे करके इस गाना का खर्च काफी हाई हुआ था और साथ ही साथ इस गाना में उस टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव 10 सुपर कार्स था और सब मिला के इस गाना पर टोटल खर्च हुआ है 3 करोड़ 50 लाख। नंबर 8 घुमर फ्रॉम पद्मावत, और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि संजय लीला के गाना पर एक ह्यूज खर्च होता है वैसे ही घुमर पे हुआ है और घुमर पे दीपिका की ड्रेसअप से शुरू करके सेट डिजाइन और ज्वेलरी पर एक ह्यूज कॉस्ट था, जहाँ पर दीपिका की एक ड्रेस पर टोटल खर्च हुआ है 20 लाख। ऐसे करके टोटल गाना पर कॉस्ट रहा 4 करोड़। नंबर 7 किलिमंजारो फ्रॉम रोबोट, और ये गाना रहा थलेवर रजनीकांत और ऐश्वर्या का मोस्ट यूनिक गाना। और बता दोस्तों किलिमंजारो पूरे इंडिया का फर्स्ट वीडियो है जिसको माचू पिचू यानी कि पेरू पर शूट किया गया था। इसे गाना का टोटल खर्च हुआ था 4 करोड़। नंबर 6 राम चाहे लीला फ्रॉम रामलीला, और जहाँ पर इसे गाना पे प्रियंका चोपड़ा की आइटम नंबर सबका होश उड़ा दिया था और इसमें सारे बैकग्राउंड डांसर का ड्रेसअप से शुरू करके सेट डिजाइन और प्रियंका की डांस मूव्स, इसे गाना का टोटल कॉस्ट रहा 5 करोड़। नंबर 5 मलंग फ्रॉम धूम 3, और जैसे धूम 3 रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर वैसे ये गाना भी एक चार्ट बस्टर गाना रहा और इसमें मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर के साथ कैटरीना की डांस मूव्स ऑन फायर था, जहाँ पर 200 प्रोफेशनल जिमनास्ट को 20 दिन तक स्पेशल ट्रेनिंग देकर यूएस में भेजा गया था गाना का शूटिंग सेट पर। और बता दोस्तों इस मैसिव गाना पर टोटल कॉस्ट रहा 5 करोड़। नंबर 4 पार्टी ऑल नाइट फ्रॉम बॉस, किलर आकी और सोनाक्षी का इसी गाना रहा उस टाइम पे एक ह्यूज हिट गाना, जहाँ पर 600 फॉरेन डांसर को इस गाना पर नजर आई है और ये बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग है और इस गाना पर टोटल कॉस्ट रहा 6 करोड़। नंबर 3 ओआंतवा फ्रॉम पुष्पा, और जैसे ब्लॉकबस्टर रहा पुष्पा फिल्म वैसे चार्टबस्टर रहा ओआंतवा और इसमें समानता और अल्लू का सेंसेशनल मूव्स पूरे थिएटर को गर्म करके रखा है और इस गाना के लिए समानता ने चार्ज की थी हुपिंग अमाउंट 5 करोड़।
और ऐसे करके इसी सीजन गाना का टोटल कॉस्ट रहा 6 करोड़ 50 लाख। नंबर 2 घर मोरे परदेसिया फ्रॉम कलंक, जहाँ पर ग्रैंड कोलेबोरेशन आई है माधुरी और आलिया भट्ट की, और इसी गाना पे सारे डांसर्स की ड्रेसिंग से डिजाइन और ट्रेनिंग पर हुआ है एक ह्यूज अमाउंट खर्च। इसी गाना का टोटल कॉस्ट रहा 7 करोड़, यानी कि फिल्म के साथ ही साथ गाना का पैसा भी पानी पे चला गया। नंबर 1 यांथरा लोकापू सुंदरी वे फ्रॉम 2.0, और सारे गाना को पीछे छोड़ दिया है 2.0 का इसी गाना, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जिसमें डायरेक्टर शंकर है उसी फिल्म पर होता है कई सारे हिडन चार्ज, और वैसे ही हुआ इसी गाना पे, जहाँ पर इसमें थलाइव रजनीकांत के साथ एम एज एक्शन का एक हिट को लव नजर आई है, जहाँ पर इसी गाना का टोटल शूट हुआ है 10 डेज में 4 डिफरेंट सेट पर, और जिस गाना को प्रमोट किया गया था टेक्नो लव सॉन्ग नाम से। और बता दोस्तों, अभी तक की इंडिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गाना, इसी गाना का टोटल बजट रहा 20 करोड़। तो ये रहा इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव गाना के बारे में, और इसी लिस्ट पर कौन से गाना आपका सबसे फेवरेट है कमेंट पे बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और सके बॉलीवुड साउथ इंडिया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।